नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की पूजा विधि बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या, जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है। सोमवती अमावस्या का व्रत करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आज मैं आपको पूजा विधि बताने वाला हूँ, आपको सोमवती अमावस्या के दिन किस प्रकार से तुलसी माता का पूजन करना है और फेरी कैसे लगानी है। तो जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर पहले थोड़ा सा हल्दी से लीप लें, या फिर आप यहाँ पे गेरू से भी लीप सकते हैं, तो हल्दी या फिर आप गोबर से लीप सकते हैं। तो शहर में तो गोबर मिलना थोड़ा कठिन है, इसलिए आप हल्दी से ही लीप लें। तो जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा हल्दी से लीप लें इस प्रकार से, अच्छी तरीके से। और हल्दी से लीपने के बाद तुलसी माता को भी हल्दी से लीप लें और अच्छे प्रकार से आपको इस पर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको रोली से बनानी है और फिर स्वास्तिक बनाने के बाद हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। स्वास्तिक को हम गणेश जी के रूप में पूजन करेंगे। वैसे तो तुलसी माता के पूजन में गणेश जी का पूजन नहीं होता, तो आप गणेश जी का पूजन ना करें। गणेश जी का पहले आप ध्यान कर लें फिर पूजा को शुरू करें। ये जो पूजा है आपको सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, शाम के वक्त भी कर सकते हैं, आपके ऊपर इच्छा है। वैसे विशेषकर तो इस पूजन को सुबह ही किया जाता है, और इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है। तो मैं आपको तुलसी माता की पूजा करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने धूप दीप मिश्री और अक्षत ले लिए हैं, कुछ प्रसाद ले लिया है, मिश्री अक्षत धूप दीप ले लिया है, और जला देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे, और जो भी आपके पास मेवे मिष्ठान हो आप वो चढ़ाएँ। तुलसी माता के हम गमले में जल चढ़ा देंगे अच्छे प्रकार से। और यहाँ पर तुलसी माता के पास हल्दी और चंदन से हम इस प्रकार से लीप लेंगे ताकि तुलसी माता का जो गमला है वो अच्छा लगे। तो और फिर हम लीपने के बाद फिर हम इनको हल्दी रोली चंदन कुमकुम आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी माता को एक बात का ध्यान रखें कि आप इन्हें सिंदूर ना चढ़ाएं, एकादशी दिन ही सिंदूर चढ़ाया जाता है तुलसी माता को। तो देखिए, हम रोली चढ़ाएंगे और वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और हल्दी अर्पित करेंगे। इस प्रकार से पूजन करें आप सोमवती अमावस्या के दिन। और आप 108 फेरियाँ आपकी इच्छा के अनुसार, आप कितनी फेरी लगाना चाहते हैं, 5 या फिर 10, 11, 12, तब उतने छुआरे ले लें, आप उतने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और उससे आप फेरियाँ लगा लें, तुलसी माता के चक्कर काट लें। विशेषकर तो वैसे 108 फेरे लगाए जाते हैं, अगर आप ना हो सामर्थ्य तो आप कम से कम 7 या 11 फेरे अवश्य लगाएँ। सोमवती अमावस्या के दिन विशेषकर से तुलसी माता और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो मैंने आपको आज तुलसी माता का पूजन करके दिखाया है। आप घर से इस घर पे इसी प्रकार से सरल तरीके से तुलसी माता का सोमवती अमावस्या के दिन पूजन करें। पूजन करने के बाद शाम को दीपदान भी अवश्य रूप से करें। और पिछले साल भी मैंने वीडियो डाली थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण, और आप सभी को जय माता दी।